कहते हैं मैं यही समझाऊं सब जगह अंधा का संसार सारे लोग ही अंधे हैं एकदम गुस्से में कहने लगे अब संत ने सोचा कि कुछ समझाऊंगा तो ये गुस्सा में है समझेगा तो नहीं विवाद करेगा संत मौन रहे कुछ नहीं बोले थोड़ा समय व्यतीत हुआ सज्जन पेंट की जेब में हाथ डाले सिगरेट का डिब्बा निकाले सिगरेट सुलगाए और सिगरेट पीने लगे तो संत ने सोचा कि अब कुछ कहना पड़ेगा संत ने पूछा भाई साहब आप कुछ पढ़े लिखे हैं देख, हाँ मैं पढ़ा लिखा हूँ मैं एम बी बी एस किया हूँ मैं मैं डॉक्टर हूँ अच्छा आप डॉक्टर हैं हाँ हाँ मैं डॉक्टर हूँ तो संत ने कहा तुम्हारे जैसे अंधों को देखकर ही कबीर साहब ने कहा है मैं कहीं समझाऊं जाग अंधा आप डॉक्टर हैं सिगरेट पर के पैकेट पर लिखा हुआ है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक फिर भी कह रहे हो अंधा हो या नहीं हो अब क्या कहे बेचारा सिगरेट के पैकेट पर लिखा है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है शराब के बोतल के ऊपर लिखा है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए कर है फिर भी पढ़े लिखे लोग पी रहे हैं अंधे तो हैं हाँ, आंख वाले अंधे हैं और ये आंख वाले अंधे जो होते हैं ज्यादा खतरनाक होते हैं, दुनिया को खतरा इन्हीं आंख वाले अंधों से है कुछ लोगों की आंखें नहीं होती बचपन से कुछ लोगों की आंखें बीच में खराब हो जाती दिखाई नहीं पड़ता फिर भी किसी प्रकार से अपना जीवन का निर्वाह करते रहते हैं और ऐसे जो प्रज्ञाचक्षु लोग हैं जिन्हें आंखों से तो दिखाई नहीं पड़ता दुनिया के लिए खतरा वो लोग नहीं है उनमें से बहुतों की आंखों को ठीक किया जा सकता है लेकिन पढ़ लिख करके जो अंधे बने हुए हैं जिनकी आंखें हैं बाहर से जिन्हें दिखाई पड़ता है और जो देखते हुए भी अंधे बने हुए हैं उनका इलाज करना बड़ा मुश्किल होता है सदगुरु कबीर ने यह कहा है देखत जो नहीं देखिया अदृष्ट कहावे सोए अंधा वह नहीं है जिन्हें आंखों से दिखाई नहीं पड़ता किंतु अंधे वे लोग हैं जिन्हें आंखों से दिखाई पड़ता है फिर भी सही रास्ते पर नहीं चलते और इसलिए दुनिया को खतरा इन आंख वालों अंधों से ही है सब जानते हो जितने घूत लेने वाले हैं वो आंख वाले अंधे हैं कि बिना आंख वाले अंधे हैं जितने काला बाजारी करने वाले या जितने चोरी करने वाले डांका डालने वाले मिलावटबाजी करने वाले आंख वाले अंधे हैं कि बिना आंख वाले अंधे हैं जितने बड़े बड़े गबन घोटाला करने वाले आंख वाले अंधे हैं या बिना आंख वाले अंधे और भी जा जितने गलत काम करने वाले बीड़ी बनाने वाले सिगरेट बनाने वाले शराब बनाने वाले कौन है आंख वाले अंधे या बिना आंख वाले अंधे दुनिया में कहीं भी गलत काम हो रहा है उनमें से अधिकतम गलत काम बड़े बड़े गलत काम आंख वाले अंधे करते इसलिए कबीर साहब को कहना पड़ा कि मैं कही समझाऊं या जगह अंधा जो देखने नहीं पाते जिन्हें दिखाई नहीं पड़ता वो रास्ते के ही जा रहे हैं, और आप उन्हें बताएं कि तरफ कांटे हैं मत जाइए उधर खाई है मत जाइए सामने कुआं है मत जाइए तो लाठी के सहारे वो रास्ता बदल देंगे लेकिन जो तो जान देखते हुए भी कुआं में कूद रहे हैं उन्हें आप कहाँ समझाओगे वो तो देख करके कुआं में कूद रहे हैं ना तो उन्हें समझाना बड़ा मुश्किल होता है आवश्यकता है सुधार करने की आवश्यकता है सोच विचार करके काम करने की काफी कुछ चर्चाएं हो चुकी है बहुत कहना कुछ बाकी है नहीं कबीर की दो पंक्तियां जिन पर अक्सर चर्चा हुआ करती है फिर से मनन करना है चतुर कबीर कहते हैं ना हरी भजस न आदत छूटी शब्द ही समझ सुधारत ना ही आंधर भये ही हो की फूटी मनुष्य न तो हरि का भजन करता है हरि का हो भगवान का हो गुरु का हो कुछ भी कह मनुष्य न तो हरि का भजन करता है और न ही उसकी गलत आदतें छूटती है सरल भाषा में कहें तो भजन क्या है भजन गाना और भजन करना दोनों बिल्कुल ही अलग अलग है भजन गाना एक कला है और भजन करना उससे बड़ी कला है भजन गाने से सम्मान मिल सकता है प्रतिष्ठा मिलती है पैसे भी मिलते हैं लोग लो खुश हो जाते हैं किंतु भजन करने से जीवन का कल्याण होता है सारे दुखों की निवृत्ति हो जाती है भजन गाना एक बड़ी अच्छी बात है अपना भी लाभ होता है ज्ञान की बातें बार बार कहने को मिलती है और भजन सुनना भी अच्छी बात है सुनते समय मन बाहर से भटकना छोड़ करके भजन पर रुक जाता है लेकिन भजन करना उससे और बढ़िया बात है भजन गाना सबके बस की बात नहीं है सबके पास कला नहीं होती किंतु तो हर आदमी चाहे तो भजन कर सकते हैं कर सकता है भजन आत्मशोधन करना है मंदिर में पूजा करना तीर्थ यात्रा करना और दान पुण्य करना बड़ी अच्छी बात है किंत इतने से जीवन का सुधार नहीं होगा जीवन का सुधार होगा भजन करने से कथा करना कीर्तन करना अखंड पाठ करना अखंड जागरण करना तीर्थ यात्रा करना मंदिरों में पूजा करना ये सब भजन करना नहीं है कर्मकांड है इन कर्म कांडों से जीवन में मन पर एक अच्छा प्रभाव पड़ता है संस्कार अच्छे बनते हैं यदि ध्यान दिया जाए तो और ध्यान न दिया जाए तो लोग तीर्थ यात्रा भी कर रहे हैं मंदिर में पूजा भी कर रहे हैं और बहुत कुछ करते हुए भी जीवन जहां का तहां है जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है भजन करने का अर्थ है धीरे धीरे करते करते अपने आप को ऊपर उठाते चले जाना भजन करने का अर्थ होता है निरंतर आत्मशोधन करना अपने गुण दोषों की परख करते रहना जैसे व्यापारी जो कुशल व्यापारी होते हैं सुबह दुकान खोलने के पश्चात दिन भर दो खरीद बिक्री होती है रात्रि बंद करने पर दिन भर की खरीद बिक्री का हिसाब लगाते हैं किसको कितना दिया किसको किसने लिया कहाँ से सामान लिया कितना बेचा और रोज जब हिसाब लगाते हैं तो ऐसा व्यापारी व्यापार क्षेत्र में उत्तरोत्तर आगे बढ़ता चला जाता जो कभी हिसाब ही नहीं लगाते कितनी हानि हुई कितना लाभ हुआ कितनी खरीद हुई कितनी की बिक्री हुई उसका व्यापार सफल नहीं होता है व्यापार में सफलता चाहिए तो रोज का रो, रोज हिसाब चाहिए और व्यापार के नियम हैं किसी को कुछ देना हो तो पहले लिखो फिर दो सोचेंगे ऐसे दे देते हैं बाद में लिख लेंगे भूल जाएगा किसी ने दिया है उसे भी लिखो तब बक्से पर रखो तो हिसाब किताब बराबर रहेगा यदि लिखा पढ़िए बराबर नहीं है तो हिसाब किताब बराबर नहीं हो पाएगा ठीक यही बात जीवन व्यापार की भी है रोज रोज अपने जीवन की गतिविधि का जीवन के कर्मों का हिसाब व्यवहार का हिसाब किताब लगाना सुबह हुई नींद खुली नित्य क्रिया से निवृत्त हुए दर्पण आदि कर लिए काम धाम में लगिए लोगों से मिलना जुलना बात करना ये सब चल रहा है जब दिन भर के पश्चात रात्रि में भोजन किए और सोने जब गए तो सोने के पहले देखें कि आज दिन भर में कहां कहां मुझसे भूल हुई कब कब गुस्सा आया कब कब जबान मेरी फुसल गई कब कब जबान से अब शब्द निकले कि गाली निकल गई कब कब जीव आज दिन भर में दुख आया चिंता हुई कितने गलत काम हो गए और हुए हैं यदि सचमुच में तो ग्ला नहीं करें कि ऐसी गलती कल दोबारा नहीं होगी इन गलतियों को कल दोहराऊंगा नहीं या देखें कि दिन भर में कितने अच्छे काम हुए कि क्या क्या अच्छी बातें मैंने सीखी क्या किससे किससे मैंने अच्छा व्यवहार किया अच्छाइयों को भी देखें और बुराइयों को भी देखें यदि गलत काम कब हुए हैं कम हुए क्रोध कम आया लोभ कम आया जबान से गाली नहीं निकली और अच्छे काम ज्यादा हुए हैं संतोष मन में आया दया आई क्षमा की भावना आई विरोधियों को क्षमा कर दिए कुछ धर्म का काम हुआ ये काम ज्यादा हुए तो समझ लेना होगा जीवन व्यापार सफल है और भजन हो रहा है और यदि ऐसा नहीं हुआ गलत काम ज्यादा हो गए गुस्सा ज्यादा आ गया चिंता ज्यादा हो गई लोभ ज्यादा आ जब गाली गए जबान से गालियां अधिक निकल गई तो जीवन व्यापार घाटे में चल रहा है मंदिर जाते हुए भी भजन वजन कुछ नहीं हो रहा है भजन एक दिन का काम नहीं है भजन करना जीवन भर का काम है निरंतर अपने को गढ़ते छिलते संवारते जाना और यही काम हम नहीं करते हैं जब तक अपने गुण दोषों की परख नहीं होगी आत्मशोधन का काम नहीं होगा गुण दोषों की परख करके दोषों को घटाने के लिए और अच्छाइयों को सद्गुणों को बढ़ाने के लिए कोई प्रवृत्ति ना होगी चिंता ना होगी कोई उपाय नहीं होगा तब तक खाते पीते जीवन बीत जाएगा दुख खत्म नहीं हो पाएगा और रोते रोते जो तो जन्म लिए थे रोते हुए पछताते हुए दुनिया से विदा हो जाना होगा इस जीवन की हार हो जाएगी जीवन की बाजी हारे ना जीवन को जीत करके जाएं तो भजन का काम करना होगा वो आत्मशोधन किसी के लिए बैर भाव मन में आ गया किसी के लिए ईर्षा आ गई निंदा सुन करके दुखी हो गए और स्वयं दूसरों की निंदा हो गई तो भले पूजा कर रहे हैं भजन नहीं हो रहा है भजन का मतलब है मन से ईर्षा द्वेष का पूरी तरह से समाप्त हो जाना भजन का मतलब है मन से किसी के लिए भी बैर भाव का त्याग हो जाना और सब कुछ हो रहा है सब कुछ हो रहा है पूजा हो रही है पाठ हो रहा है अखंड जागरण हो रहा है अखंड अखंड पाठ भी कर रहे हैं तीर्थ यात्रा भी कर रहे हैं ईर्षा वैसे वैसी है द्वेष भाव वैसा है घृणा वैसे वैसी बैर विरोध वैसे लोभ लाच वैसे है तो भजन कहाँ हो रहा है आत्मशोधन करने का काम कहां हो रहा है भले जीवन में कभी मंदिर मत जाओ मैं मंदिर जाने के लिए मना नहीं कर रहा हूं जिन्हें जाना हो तो जाएंगे ही किंतु ईर्षा घट गई पूरी नहीं घटी है पूरी नहीं मिटी है तो कम से कम ईर्षा कम हो रही है घृणा कम हो रही है लोभ कम हो रहा है क्रोध कम हो रहा है लालच कम हो रहा है दुख घट गया बैर भाव घट रहा है कभी मंदिर मत जाओ जीवन में भजन हो रहा है भजन की कसौटी मंदिर नहीं है भजन की कसौटी तीर्थ यात्रा नहीं है भजन की कसौटी है जीवन का धीरे धीरे ऊपर उड़ते चले जाना एक एकाएक कोई व्यक्ति अपने आप का पूरा का पूरा सुधार नहीं कर सकता धीरे धीरे से धीरे धीरे दोषा यीण यत्न पूर्वक धीरे धीरे अपने दोषों को मिटाते जाना भजन हो रहा है कहते हैं एक जगह एक बाग में एक पेड़ के नीचे एक महात्मा चुपचाप बैठे हुए थे एक सज्जन उधर से गुजरे देखा कि महात्मा आग बनकर चुपचाप बैठे हुए हैं चले गए चार घंटा के पश्चात वापस लौटे तो फिर देखा कि महात्मा चुपचाप वैसे आग बनकर बैठे हुए हैं उन्हें लगा कि ये कैसे महात्मा है कुछ भी भजन नहीं करते आगमन का चुपचाप बैठे रहते हैं महात्मा पास गए प्रणाम किया कि महाराज आप भजन क्यों नहीं करते महात्मा ने कहा भजन भजन कब करूं मेरे जीवन में तो रोज मुझे सूतक लगा रहता है जब किसी बच्चे का जन्म होता है या कैसे मौत होती है तो सूतक लगता है और कहा गया है कि सूतक के समय कोई धर्म का काम नहीं करना चाहिए महात्मा ने कहा मैं भजन कब करूं मुझे तो बराबर सूतक लगा रहता है और व्यक्ति ने कहा आप तो साधु हैं आपका तो कोई परिवार नहीं है आपको कहाँ सूतक लगेगा भला महात्मा ने कहा आप मेरे परिवार को कहाँ जानते हो मेरे परिवार में हर दिन हर समय किसी न किसी की मौत होती रहती है और किसी न किसी का जन्म होता रहता है मुझे तो बराबर सुतक लगा रहता है भजन कब करूं तो कहा आपका परिवार यहां तो कहें कुछ दिखाई नहीं पड़ता महात्मा ने कहा आप जानते कहाँ? हूँ काम क्रोध लो मोह राग द्वेष ईर्षा घृणा बैर विरोध इनमें कोई न कोई मरता रहता है और दया क्षमा सत्य धीर विवेक विचार ज्ञान भक्ति वैराग इनमें किसी न किसी जन्म होता रहता है मुझे बराबर तो तो लग रहा था मरा समझ गया आप ये भजन कर रहे हो दोष घट घट रहे हैं सद्गुण बढ़ रहे हैं राम राम चाहे राम राम कहो तो न कहो तो सतनाम सतनाम कहो तो न कहो तो भजन हो रहा है बराबर राम राम कह रहे हो बराबर सतनाम सतनाम कह रहे हो ओम नाम ओम नाम कह रहे हो और हो रहा है उल्टा सदगुन घट रहे हैं दुर्गुण बढ़ रहे हैं या सदगुण न भी घटे दुर्गुण दुर्गुन बढ़ता चला जा रहा है न खाने में कोई हिसाब किताब है जो मन में आए खाते चले जा रहे हैं न पीने में न बोलने में न चलने में न सोचने में कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है किसी बात पर कोई संयम ही नहीं है कहां भजन हो रहा है भाई चधुर कबीर कहते हैं ना हरि भजत ना आदत छूटी मनुष्य ना हरि का भजन करता है ना उसकी आदत छूटती है साहब ने बार अनेक प्रकार से कहा है अनेक लोग होते हैं हाथ में माला लिए रहते हैं माला फेरते रहते हैं एक सौ आठ दान दाने की माला होती है माला भी फेरते रहते हैं और कोई ना कोई ना कोई, कोई नाम जपते रहते हैं अच्छी बात है लेकिन साहब कहते हैं माला फेरत जुग गया गया न मन का फेर कर का मन का डार दे मन का मन का फेर तो माला तो फेर रहे हो और मन का फेर तो नहीं गया मन में वही चला कि वही कपट वही राग द्वेष साहब कहते हाथ का माला फेर दो मन की माला को फेरो भजन हो जाएगा माला तो में फिरे हाथ में माला है फिरा रहे हैं और मुख और जीव फिरे मुख माये और जीव मुंह में फिर रही कोई ना कोई नाम जप रहे हो साहब कहते हैं माला तो में फिरे जीव फिरे मुख माये मनवा तो चाहू दीद फिर यह तो ना है हाथ में माला फिर रही है जिम में मुख में जिम फिर रही है और मन सब तरह दुनिया भर में घूम रहा था आप कहते हैं तुम्हारा सुमिरन नहीं तुम्हारा भजन नहीं है तीर्थ यात्रा कर तो अच्छी बात है तीर्थ यात्रा करना गलत नहीं है गंगा में महानदी में गोदावरी में नर्मदा में या अन्य नदियों में नहाना गलत नहीं है लेकिन याद रखना नदियों में नहाने से सिर्फ शरीर धुलेगा मन नहीं धुलेगा और पाप शरीर में नहीं है पाप मन में है साहब कहते हैं नहाए धोए क्या भया जो मन मैल न जाए मीन सदा जल में रहे धोए बास न जाए नहाने से पाप करता है तो मछली तो रोज उसी में उसी में पैदा होती उसी में तैरती है उसके उसकी, उसकी दुर्गंध तो जा नहीं रही है तो नहाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं साहब जहां गंगा नहाओ गोदावरी नहाओ नर्मदा नहाओ जहां चाहो वहां नहाओ लेकिन तन के साथ साथ मन को भी तो स्नान करो ज्ञान की गंगा में भक्ति की गंगा में इसलिए कहा गया ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना ये ज्ञान की गंगा ही तो बह रही यहाँ पर यह भी यहाँ जो हो रहा है एक यज्ञ ही हो रहा है आप लोग बाहर यज्ञ करते हो तो जो यज्ञ करते हो जिसमें हमनपुर में कुछ डाल करके स्वाहा स्वाहा करते हो यज्ञ उतना ही नहीं है ये ज्ञान यहाँ जो ज्ञान चर्चा हो रही है ये भी यज्ञ है और गीता में श्री कृष्ण ने जो स्वाहा स्वाहा करते हैं ना उससे बड़ा ज्ञान यज्ञ को कहा गया कहा है गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ये स्वाहा स्वाहा करने से कुछ होने वाला नहीं है ज्ञान यज्ञ में डूब में आहुति देनी होगी ज्ञान के यज्ञ में जीवन के जितने भी गलत कर्म हैं उनकी आहुति दे दो जीवन ही यज्ञ बन जाएगा और शांत उपनिषद में श्री कृष्ण के आध्यात्मिक गुरु घोर आंगिर ने श्री कृष्ण को जीवन यज्ञ की दीक्षा दी थी श्री कृष्ण के तीन गुरु हैं उनके कुल गुरु गर्गाचार्य हैं शिक्षा गुरु घो हैं और अध्यात्म के गुरु घोर आंगिर हैं। शांडो मिश्र ने बात आती है कि घोर आंगिर ने श्री कृष्ण को आत्मज्ञान दे करके उसके मन की तृष्णा को बुझा दिया और हो ने श्री कृष्ण को कहा कि कृष्ण अंतिम बेला में जीवन का अंतिम बेला में तीन बातों का प्रतिपादन करना सो अंत वेलायाम एत तिरंप्र प्रत्येद अक्षित मसी अच्युत मसी प्राण मसी मैं अक्षत हूँ अक्षत जिसका विनाश ना हो अक्षत का मतलब अविनाशी जिसका कभी नाश नहीं होता है श्री कृष्ण सोचना जीवन में शरीर मरेगा मैं नहीं मरूंगा तो मैं अक्षत हूँ अच्युत अच्युतम से मैं अच्युत हूँ अच्युत का मतलब होता है जिसका कभी पतन नहीं होता जिसमें कभी कोई बिगाड़ नहीं होता जिसमें कभी कभी कोई परिवर्तन नहीं होता शरीर में परिवर्तन होगा आत्मा में परिवर्तन नहीं होता है प्राण संस्थितम से मैं प्राणों से भी तेज हूं प्राण को हम देखते हैं प्राण हमें नहीं देखते तो बात मैं ये कह रहा था कि जो यज्ञ बाहर यज्ञ जो करते हैं उससे कोई बड़ा लाभ नहीं होने वाला है एक प्र, प्रकार का कर्म कांड है ज्ञान के यज्ञ में अपने दोषों की आहुति दे देना देहाती ढंग से हम समझते हैं जब कोई व्यक्ति यज्ञ करता है पुरोहित पंडित उसमें घी डालता है हमन कुंड बना करके आग जला करके तिल अक्षत जौ या मेवे आदि आहुति देता है और आहुति देने के पश्चात के बाद कहता है स्वाहा 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 करते करते जिंदगी स्वाहा हो जाती है दुख दूर नहीं हो पाता जो पंडित रोज दिन स्वाहा स्वाहा कहते हैं ना तम्बाकू स्वाहा नहीं कर पाते बेचारे मुख में तंबाकू भरकर स्वाहा स्वाहा करते रह जाते हैं कहां यज्ञ हुआ जो तंबाकू है गुटका है, इसका स्वाहा कर दो मन का जो अहंकार है इसका स्वाहा कर दो स्वाहा करते होता है स्वा कहा कर देना अपने अहंकार का हनन कर देना अहंकार क्या होती दे देना जीवन यज्ञ बन जाएगा मानो भजन हो रहा है इस भजन को समझना होगा और यही भजन नहीं हो पाता है इसलिए सदूर कबीर कहते हैं कि ना हरे भजस ना आदत छुट्टी मनुष्य न हरि का भजन करता है न उसके गलत आदतें छूटती है सीधी बात कहें तो मन की जितनी भी गलत आदतें हैं जितने गलत कर्म हैं गलत खान पान हैं उनका त्याग कर देना और मन की जो चंचलता है उस चंचलता पर संयम कर लेना यही भजन करना है दुख का कारण क्या है दुख का एक ही कारण है मन की चंचलता जब तक मन चंचल बना रहेगा कहीं चले जाए सुख मिलने वाला नहीं और मन की चंचलता मिट गई मन एकाग्र हो गया शांत हो गया ठहर गया मन एक जगह जहां बैठे हो जो कुछ भी कर रहे हो भजन ही हो रहा है आदमी मन को चंचल बनाना तो जानता है किंतु मन को शांत करना नहीं जानता जितनी भी प्रकार की गाड़ियां हैं साइकिल स्कूटर बाइक कार या और जो भी कुछ हवाई जहाज रेल सब में जितनी भी प्रकार की गाड़ियां हैं सभी गाड़ियों में आदमी ब्रेक लगाता है कि ब्रेक लगा करके गाड़ी को रोक लें ताकि आगे दुर्घटना ना होने पाए देखिए खतरा है ब्रेक लगा देता है गाड़ी रुक जाती है किंतु जीवन की गाड़ी में मन में कोई ब्रेक नहीं है इसलिए हर जगह खतरा ही खतरा है हर गाड़ी में ब्रेक लगाना आदमी जानता है मन की गाड़ी में ब्रेक लगाना आदमी नहीं जानता ये ब्रेक लगाना क्या है गलत सोचना बंद कर दो बस ब्रेक लग गया जिस आदमी ने कोई हो साधु गृह स्त्री पुरुष कोई हो जिस आदमी ने गलत सोचना बंद कर दिया उसने जीवन में कि गाड़ी में ब्रेक लगा दिया उसका भजन हो गया यह भजन दिखाई नहीं पड़ेगा किसका मन कैसा है हम जान भी नहीं सकते अपने अपने मन को जानना है कि मेरा मन चंचल है या मेरा मन शांत है मन शांत है कुछ करो या मत करो भजन हो रहा है मन अशांत है सब कुछ करते हुए भजन कहाँ हो रहा है मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन बहुत सरल है भजन करना आदत बिगड़ गई है इसलिए भजन करना कठिन लगता है ये पूजा पाठ करना कर्म कांड करना सरल लगता है लेकिन सुधार इससे नहीं होगा कल्याण इससे नहीं होगा दुख इससे दूर नहीं होगा जो आदत बनाए हैं उस उन आदतों पर का त्याग करना होगा तब भजन होगा अब ये केवल कबीर साहब की बात ही नहीं है दुनिया के सभी संतों का अनुभव यही है मतपंथ अलग अलग होते हैं विचार अलग अलग होते हैं कोई किसी को मानता है कोई किसी को मानता है कोई किसी की पूजा करता कोई किसी की पूजा करता यह कर्मकांड है कर्मकांड में अंतर रहेगा ही रहेगा कर्मकांड एक रूपता नहीं आ सकती क्योंकि भिन्न भिन्न मत हैं भिन्न भिन्न संप्रदाय हैं भिन्न भिन्न विचार हैं इनमें एकता तो कैसे आएगी दुनिया में कभी भी एक मत नहीं रहा है एक विचार नहीं रहा है अनेक मत रहे हैं और अनेक विचार रहे हैं जैसे आज अनेक मत पंथ रहे दुनिया में सैकड़ों कहा जा सकता है ऐसे पहले भी रहे हैं जो लोग यदि कहते हैं पहले अनेक मत नहीं थे वे गलत कहते हैं पहले भी अनेक मत थे अथर्वेद में एक मंत्र आता है जन्म विभ्रति बहुधा विवासम नाना धर्मानम पृथ्वी यथोक्सम ये पहली पंक्ति है और ये और इतना पर्याप्त है जन्म विभ्रति बहुधा विवासम नाना धर्मानम अथर्वा ऋषि हैं पृथ्वी को माता मानकर उसकी वंदना करते हैं और कहते हैं कि हे पृथ्वी माता तुम अपने पर जन्म लेने वाले लोगों को धारण कर दो पृथ्वी सबको धारण कर सबको धारण करती है सज्जन हो तो दुर्जन हो तो भोगी हो तो योगी हो तो पापी आत्मा पृथ्वी पृथ्वी में सबके लिए जगह है तेल पहाड़ नदी ना सबके लिए पृथ्वी में जगह है तो अथर्व ऋषि कहते हैं ये पृथ्वी माता तुम अपने में जन्म लेने वाले सभी को धारण करते हो कैसे किन लोगों को ना बौद्ध विवासम नाना धर्माना अनेक भाषा बोलने वाले अथर्वेद का मंत्र ये, ये मंत्र जब बना जिस समय बना उस समय भी अनेक भाषा लोग बोलते थे आज ही बात नहीं है और नाना धर्मानम नाना धर्म से एकदम क्लियर बात है नाना धर्म तो एक मत कभी नहीं रहा है अनेक मत रहे हैं और अनेक मत रहेंगे तो पूजा अलग अलग होगी कर्मकांड अलग होगा हो विचार अलग अलग होंगे मान्यता अलग अलग होगी अंतर तो रहेगा लेकिन जो मूल बात है जिससे जीवन ऊपर उड़ता है उसमें अंतर नहीं होगा त्याग तप संयम ईमानदारी सत्य क्षमा दया इनकी आवश्यकता सज्जन सबको है जो भी कल्याण चाहता है उसको है यह किसी मत पंथ के नहीं है दया है क्षमा है सत्य है धीर है विवेक है विचार है प्रेम है सेवा है भक्ति है ज्ञान है ये किस मत की बात है ये तो सभी मत के लिए है तो मान्यताओं में नहीं उलझना है आप कुछ माने हम कुछ माने आप किसी गुरु को मानते हो हम किसी गुरु को मानते हैं इसको लेकर लड़ने की आवश्यकता क्या है और लड़ने वाला आदमी भजन नहीं कर सकता चाहे कितना बड़ा साधु क्यों ना हो हजारों क्या लाखों चेले हों और लड़ाई कर रहा हो तो लाखों चले तो बना सकता है भजन नहीं कर सकता क्योंकि मन में बैर विरोध है लड़ाई है अब एक बात और कह करा दूं बड़े बड़े महात्मा लोग कहते हैं धर्म खतरे में है धर्म कभी खतरे में न था ना है ना होगा मान्यता खतरे में होती है कर्मकांड खतरे में होते हैं और आज आपको अनेक कर्मकांडों में उलझाने का प्रयास किया जा रहा है कि किसी प्रकार से लोगों को कर्मकांड में उलझा करके रखो कि ताकि ये ऊपर न उठने पाए और कर्मकांड उलझा हुआ आदमी कभी ऊपर उठ नहीं सकता कभी शांत नहीं हो सकता समझने की बात है तो कर्मकांड अलग है और भजन अलग है भजन की आवश्यकता सबको होती है दूसरी बात साहब कहते हैं शब्द है समु सुधारत ना ही आंधर भय यो की भूति। लोग शब्दों को समझना नहीं चाहते समझ लेते हैं तो सुधारना नहीं चाहते आदमी के कर्म व्यवहार को देखकर लगता है कि आदमी के चारों आंखें फूट गई है समझें, कोई कुछ भी कह रहा हो कितने बड़े गुरु हो कितने बड़े महात्मा हो आंख मूंद कर किसी की बात को मत मानो आंखें खोल करके मानो कहाँ लिखा है मतलब नहीं होता है क्या लिखा है ये मतलब होता है लोग कहते हैं साहब अब बेशास्त्र की बात नहीं मानते हम बेशास्त्र की बात मानते हैं और केवल बेसात्र नहीं कुरान बाइबिल की भी बात मानते हैं गुरबाणी की भी बात मानते हैं लेकिन आंख बंद करके नहीं आंख खोल करके हमारे लिए सभी आदरणीय हैं जैसे वेद आदरणीय वैसे शास्त्र आदरणीय वैसे कुरान और बाइबिल आदरणीय जैसे रामकृष्ण आदरणी वैसे ईसा मोहम्मद आदरणीय वैसे महावीर और बुद्ध आदरणीय वैसे नानक कबीर दयानंद विवेकानंद सब आदरणीय हैं लेकिन हम आंख बंद करके किसी की बात को नहीं मान सकते आंख खोल करके माने विचार करके मानने से भटकाव नहीं होगी विचार करना धर्म का द्रोह करना नहीं है विचार करना गुरु का ईश्वर का द्रोह करना नहीं है लोग कहते हैं धर्म की बात नहीं मानोगे तो ईश्वर द्रोही हो जाओगे आखिर धर्म क्या है सच्चाई धर्म है और धर्म के नाम पर झूठ बोल रहे हो धर्म के नाम पर कहा जा रहा है एक महात्मा यहां से उठे ऊपर उड़े यहां से हिमालय चले गए कैसे हो सकता है आद, आदमी उड़ेगा कैसे किसी ने कह दिया लिखा है हनुमान जी सूरज को निकल गए निकलिए कैसे भई हनुमान पृथ्वी से तेरा लाख गुना बड़ा सूरज उसको कोई निकलेगा कैसे लेकिन लिखा है मानना पड़ेगा कि झूठ है और झूठ बात धर्म नहीं होती भले रंजित रा, मानस में लिखा है विचार करो मास दिवस का दिवस भा मरम न जाने कोई रस समेत रवि ठाकुर निशा कौन विधि हो गोस्वामी जी कहते हैं जब अयोध्या में राम का जन्म हुआ और राम का जन्मोत्सव मनाया गया तो वो इतनी सुंदरता इतने मोहक कि सूरज जब उड़ते ऊपर से जहाँ उगे उगते उगते अयोध्या में पहुंचे तो वहां देखे कि मेरे कुल में क्योंकि राम का कुल सूर्य कुल है मेरे कुल में भगवान का जन्म हुआ है उत्सव मनाया जा रहा है उसको देख करके सूरज के मन में बड़ा प्रेम आया और सूरज वहीं रुक गया कितने दिन के लिए एक महीना के लिए मास दिवस का दिवस मरम न जाने को एक महीना मरम न जाने को रस समेत तो रवि ठाकुर कौन विधि रस समेत सूरज वहां थक गया रात हुई ही नहीं पूछना महाराज जब रात नहीं हुई तब तो आपने गिना कैसे कि एक महीना हुआ अरे रात होगी दिन होगा तब तो गिनोगे एक दिन दो दिन पांच दिन वहां तो रात हो नहीं कर आदमी को पता कैसे चल गया कि एक महीना हो गया तो लेकिन विचार तो करो उसमें लिखा कैसे मान लोगे रामदेव मानस पढ़ते हो मैं मैं कब बिल्कुल नहीं मानता मैं जात पात आदमी की जात अलग होती नहीं है लेकिन अब रामचंद्र मानस पढ़ते हो ना क्या लिखा है जे वर्णाधम अधम तेली कुम्हारा आपको वर्णों में सबसे अधम नीच कोई है तो तेली मानोगे क्या इस बात को सब तेली लोग ही बैठे हुए हैं यहां पर और आपे लोग ही रामचरित मानस को जिला करके रखे हुए हैं जितने भी वर्ण है उसमें सबसे नीच कोई है तो तेली है मानोगे बात को गोस्वामी जी लिख दिए तो कैसे मान लिया जाए इस बात को आदमी कोई कोई जात का आदमी नीचे नहीं होता है आदमी के पाप कर्म नीच होते हैं और कहा जाता है पूजी विप्रशीलगुण ही नीलगुण से हीन तो है तो पूजनी है विप्र कौन है भाई तो कहा गया वेद पाठी भविद विप्र वेद पढ़ने वाला विप्र होता है अच्छी बात शिलगुण से तो कहे कोई विप्र है तो पूजनी है तो रावण को मारा क्यों रावण तो विप्र था रावण ब्राह्मण है और ब्राह्मण के ब्राह्मण की रक्षा के लिए भगवान राम अवतार लेते हैं और ब्राह्मण को मार डालते हैं वो स्वामी तुलसी ने क्या बताया है विप्र धेनु सूर्य संत लीन मनुज अवतार भगवान को उतार लेने का जो कारण है उसमें सबसे पहला कारण है विप्र की रक्षा करना अब विप्र को मार डालते हैं रामन विप्र ही तो है ना फिर क्यों मार डाला तो आधी बात इधर आधी बात उधर मैं केवल गोस्वामी जी की बात नहीं करूं कहीं की भी बात हो यदि कबीर साहब गलत बात कहते हैं तो हमें नहीं मानना है सच्चाई होनी चाहिए बस तो वेद में लिखा है कि कुरान में कि बाइबिल में कि राम रामानस में कि बीजक में कि अन्य ग्रंथ में साहब कहते हैं आंख बुन करके मत मानो मेरा तेरा मनवा कैसे एक हो ही रे मैं कहता आखन देखी देखी तू कहता कागज की लेखी मैं कहता जागत आयो तू जाता है सोई रे जागने का आवश्यकता है सबको आदर सबको आदर दो किसी का भी जानबूझकर अपमान तिरस्कार नहीं करें अपने गुरु हों पराए के गुरु हो किसी के गुरु का अपमान नहीं करना है सबको आदर देना है किन्तु आंख मुद कर किसी की बात को नहीं मानना जो उचित है जो विवेक युक्त है उसी को मानना है महाभारत में युधिष्ठिर यही कहते हैं तर्को अप्रतिष्ठा सुर्त्यो विभिन्न नय को ऋषि रसमता प्रमाणम तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है ऋषि अनेक है ग्रंथ अनेक है तर्को प्रत्येक विभिन्न भी तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है श्रुतियां शास्त्र अनेक है न को ऋषि समता प्रमाणम एक ऋषि ने जिसकी बात को मान लिया जाए धर्म से तत्व निहितम गुहाम महाजनो एन कथा सपन था धर्म का तत्व गुहा में छिपा हुआ है तो करना क्या है जब विवेक जिस रास्ते से गए विवेक जो कहता है वह मानने योग्य है इसलिए जागें विचारें विचारक बने अपने लिए भी दूसरों के लिए भी विचार करें कि मैं दुखी क्यों हूं मैं तो सुख पाने के लिए काम करता हूं फिर भी मैं दुखी हूं तो दुख का कारण क्या है विचार करें विचार करने पता चलेगा कि मेरे दुख का कारण मेरे मन के विकार हैं मेरे मेरे बुरे कर्म हैं गलत कर्म हैं छोड़ दें हो गया अब विचार करने सात बात पर तो सत्य मिलेगा विचार नहीं करते हैं इसलिए सत्य नहीं मिल पाता है तो आवश्यकता इस बात की है सबको आदर सबको आदर देना है अपमान तिरस्कार किसी का नहीं करना किंतु जो सच है जो वास्तविकता है जो विज्ञान सम्मत है उन बातों को मानना है हर बात में एक बात में नहीं हर बात में तो जो विचारक जो विचारक होता है विवेकी होता है वह कभी गलत बात कहता नहीं किसी भी मत के गुरु हों जो तो सच्चे गुरु होंगे ना वे कभी कोई गलत बात नहीं कहेंगे और सच्चा गुरु ये कभी नहीं कहेगा कि तुम्हें मेरी बात को मानना ही पड़ेगा नहीं मानोगे तो नास्तिक हो जाओगे जो गुरु लोग कहते हैं कि गुरु की बात पर विचार करोगे नास्तिक हो, जाओ, हो जाओगे हो जाओगे समझ लेना वो गुरु झूठे गुरु हैं गुरुओं ने भी धमका कर रखा है चेलों को हमारी बात को मानना पड़ेगा और नहीं मानोगे तो गुरुद्रोही हो जाओगे और गुरुद्रोही को नरक में भी ठोने लगेगा हाँ बोलो ठीक है गुरु जी हमें नरक में चले जाएंगे हम झूठ बात नहीं मानेंगे गुरु आदरणी लेकिन सच गुरु कौन जो सच बोलता हो सत्य ज्ञान की सीख देता हो और सत्य जीवन की रहनी पर चलता हो वो गुरु है साहब कहते हैं ऐसे जो गुरु हैं सभी गुरुओं का तो सब समझो समझ करके सुधार करो और सुधार करके जीवन में अपने परिवर्तन लाओ तब भजन होगा देखा देखी भजन नहीं होने वाला है कुछ लगू मैंने भजन नहीं होने वाला है मैंने कहा भजन करते हैं विवेक और विचार जो उचित है जो अनुचित है जो जो तो गलत है उन सारे वो तो छोड़ते चले जाएं और जो जो सही है उनको ग्रहण करते चले जाएं। बस भजन का काम हो रहा है भजन इतना है चाहे बाहर चाहे भीतर जो गलती है चाहे अपनी गलती हो चाहे दूसरे की गलती हो चाहे शास्त्र की गलती हो चाहे गुरु की गलती हो किसी की भी गलती हो गलतियों को छोड़ते जाना और अच्छाइयों को पकड़ते जाना आत्म करते जाना इसका नाम भजन है और इसी से कल्याण होगा सभी दुनिया के सभी जो विवेकी संत हैं गुरुजन हैं उनका यही कहना है हमें उनके पद पर चलकर भजन करते हुए आत्मकल्याण का काम करना है ये जो मानव जीवन मिला हुआ है आत्मकल्याण करने के लिए ही मिला है दूसरों के लिए जो बन सके सेवा करना है और अपने लिए कल्याण मानव जीवन का उद्देश्य ही बताया गया आत्मनोमोक्षार्थ जगत हित आय्या ये जीवन क्यों मिला है आत्मनोमोक्षार्थ आत्मकल्याण करने के लिए और दूसरों की भलाई दूसरों की सेवा करने के लिए जो बन सके जिस किसी विधि से मिठ्ठी वाणी बोलकर गिलास पानी देकर कुछ पैसे देकर भोजन देकर कपड़े देकर किसी प्रकार से दूसरों की सेवा करें और अपनी बुराइयों का त्याग करके अच्छाई पथ पर, पर चल करके आत्मकल्याण का काम करें इसी के लिए मानव जीवन मिला हुआ है और हर आदमी यह काम कर सकता है बस लगन चाहिए समर्पण चाहिए और निष्ठा चाहिए इसलिए जो जहाँ है अपने अपने ढंग से सेवा भक्ति करते हुए कल्याण के पद पर, पर आगे बढ़े और इसी जीवन में पूरी आत्म शांति आत्म संतोष आत्म प्रसन्नता का अनुभव करें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को बेरा बोलिए